हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 7th बाय रजनीश सर। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर। इसको जानने से पहले आपको कंप्यूटर लैंग्वेज और बेसिक फंक्शंस के बारे में जानकारी जरूर रहनी चाहिए। कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने क्लास 6 के लिए जो एक वीडियो बनाया है जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में विस्तार से उसमें बताया है, आप लोग उसको देखेंगे। बेसिक फंक्शंस, कंप्यूटर के चार बेसिक फंक्शंस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इन्हीं चारों फंक्शंस पे कंप्यूटर जो है वो बाकी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, हमको रिजल्ट देता है। तो ये चार फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, बेसिक फंक्शंस कहलाते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस फोर बेसिक फंक्शंस इन प्रीवियस क्लासेस। रिसीविंग इनपुट, इनपुट मीन्स गेटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। प्रोसेस परफॉर्मिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस इज नोन एज प्रोसेसिंग। गिविंग आउटपुट मीन्स सेंडिंग द रिजल्ट्स आउट टू द यूजर वाया सम डिस्प्ले यूनिट। एंड स्टोरेज कलेक्ट इंफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इज नोन एज स्टोरेज। तो टुडेज टॉपिक इज हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर which can be touched by us. Hardware can be further classified into two units, internal and external. Internal hardware and external hardware. Internal hardware devices includes motherboard, hard drive, RAM, etc. Hardware जो कि एक भौतिक भाग है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी भाग कंप्यूटर का। इंटरनल हार्डवेयर के अंतर्गत मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, रैम यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं वो आती हैं एंड ऑफन रिफर्ड टू एज कंपोनेंट्स। वाइल एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज मोनिटर्स, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर्स इटीसी आर यूजुअली कॉल्ड पेरिफेरल्स। एक्सटर्नल डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं? मोनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड या प्रिंटर्स। और इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहा गया? पेरिफेरल्स। ये है कंप्यूटर पेरिफेरल्स, आप इसमें देख सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर में सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, मॉडेम कार्ड, पोर्ट्स, डिस्क ड्राइव्स हैं। एक्सटर्नल ड्राइव को भी फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज में। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कार्ड रीडर, टच पैड, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्टोरेज यूनिट, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क एंड पेन ड्राइव्स। ओके, तो लेट डिस्कस अबाउट इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर इंक्लूड्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट द फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर केस। इंटरनल हार्डवेयर
में। वैसे पार्ट्स इंक्लूड्स होते हैं जो कंप्यूटर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि रैम, रोम, डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, सीपीयू वगैरह। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जी हाँ, जिस तरह से तुम्हारे और हमारे शरीर में दिमाग है, ब्रेन है, उसी तरह से कंप्यूटर का भी दिमाग होता है, सीपीयू। इट इज़ द मेन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ रिफर्ड टू एज माइक्रो प्रोसेसर। ये इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करता है यूज़र से और उस पर क्या करता है, वर्क करता है, उस पर प्रोसेस करता है। इसको सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू एक छोटा सिलिकॉन चिप होता है। चिप के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जी हाँ, मोबाइल पे गाने वगैरह सुनने के लिए इस्तेमाल करते हो, है ना? तो चिप विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट परफॉर्म न्यूमरस फंक्शंस, इट इज़ प्लेस्ड इनटू द सीपीयू पॉकेट ऑन मदरबोर्ड। सिलिकॉन चिप का एक छोटा सा रूप होता है जिसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, लाखों हजारों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस करने के लिए, बहुत सारे बेसिक फंक्शंस को हैंडल करने के लिए। सीपीयू हैज़ मेनली थ्री कंपोनेंट्स। सीपीयू के तीन कंपोनेंट होते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट इज ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय ALU? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द ALU ऑफ अ CPU इज द प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक ऐसा स्थान है जो कि वास्तविक जो काम होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उस पर जो वास्तविक काम किए जाते हैं, रफ वर्क किया जाता है, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा होता है। कंट्रोल यूनिट, जैसा कि नाम से ही ये अपनी विशेषता बताता है, कंट्रोल यानी कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू चूजेस एंड इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड देन कोऑर्डिनेट्स देयर एग्जीक्यूशन। जी, इंटरप्रेट्स चूज करता है, चुनता है प्रोग्राम को, और किस प्रोग्राम को पहले हल किया जाना है, किस प्रोग्राम को बाद में हल किया जाना है, इस तरह का जो फंक्शंस होते हैं वो सीपीयू के द्वारा, ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा होते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम और सीपीयू दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है। मेमोरी यूनिट, डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज़ किया जाता है। ये टेम्पोररी और परमानेंट दोनों प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आज इंटरनल हार्डवेयर के बारे में इतनी जानकारियाँ आप लोगों के लिए काफ़ी है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे और अपनी कॉपी में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मुझे अब यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।